सबका हाय। तो मैं अपने शाम को सैंडविच बनाऊंगी, तो आप लोग को शेयर करते हैं, है ना। पांच चार जने हैं, पांच टाइप का सैंडविच। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गरम कर लीजिए, फिर थोड़ा सा बेसन वो अंदाज से भून लीजिए, फिर बाद में दिखाते मैं क्या करूंगी बेसन, नहीं तो मेरा अचानक बेसन भूनने में लग गया है। मैं एक टीस्पून जैसे दिया, फिर गैस बंद कर दो नहीं तो जल जाएगी। आज सुबह तक सोचा था ब्लॉग बनाऊंगी, हुआ नहीं, थोड़ा सा किया था, फिर पूरा दिन कैसे काम काम करके निकल गई। फिर कश्मीरी रेड चिली दिया है, बातों बात एक तरह ज्यादा गरम कड़ा गरम हो गया था, स्टील का है ना। अभी इसको करूंगी, एक दो नॉनवेज बनाऊंगी, तीन वेज बनाऊंगी। तो नॉनवेज में ना एक जो चिकन सैंडविच है वो चिकन टिक्का बनाऊंगी, तो इसलिए बेसन कश्मीरी रेड चिली मस्टर्ड ऑयल दिया, मैरिनेट करने के लिए। इसमें दही है और अदरक लहसुन है और थोड़ा सा मेरा बिरयानी मसाला थोड़ा सा दिया, बस और कुछ नहीं। फिर अभी ये डाल देंगे, मैं वो मिश्रण डाल दिया है, बस अभी आधा घंटा एक घंटा के लिए छोड़ दूंगी डीप फ्रिज में, नॉर्मल नहीं, क्योंकि आधा घंटा के लिए रखूंगी ना, तो इसलिए डीप फ्रिज में, बर्फ नहीं जमेगा। ज्यादा टाइम है तो नॉर्मल फ्रिज में एक डेढ़ घंटा करेंगे, जैसे पनीर चिकन टिक्का होता है ऐसे सेम। फिर बाद में दिखाऊंगी क्या करना है नहीं करना है। अभी आ गई और ये बनाने सैंडविच बनाने, तो मैं जो चिकन के रेडी करके रखा था ना वो इधर गैस में, अभी आज एयर फायर में नहीं किया, मैं गैस में ही कर रही हूँ टिक्की। मैं लहसुन तो मैं देखा ही दिया था, फिर थोड़ा सा सरसों के तेल में दे दिया हाई फ्लेम में करके, 5-10 मिनट रखने के बाद खुला, फिर ढक दिया था। एक चटनी देके दिखाऊंगी और एक प्लेन में दिखाऊंगी, चीज वाला चीज सैंडविच और ग्रीन हरा चटनी सैंडविच। तो एक साइड में बटर लगा लीजिए, जो चीज सैंडविच बना रही हूँ उसमें, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही। और एक आगे बीच में क्यों खा रही हो मामा, तुम बनाओगी ना सीखोगी मामा, किचन में ज्यादा सामान हो गए मामा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा मैं ऐसे ही, मेरा मोज़रेला चीज अभी ऐसे आता है टुकड़े टुकड़े में भी, मतलब अभी निकल गई है, तो नहीं है तो फिर जो आता है वो ग्रेट कर, मतलब ऐसे घिस लीजिए फिर दे दीजिए। तो अभी चीज दे दूंगी, तो चीज जैसे आप जितना चाहिए उतना अंदाजा से, फिर इसमें दूंगी थोड़ा सा नमक, नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी चीज में नमक है और बटर में भी नमक रहता है, इसलिए नमक एक्स्ट्रा नहीं दूंगी, थोड़ा सा चीनी फ्लेक्स, ये भी ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकते बच्चे के वो, क्योंकि कोई कोई एकदम तीखा पसंद नहीं करती है। और बीच में आ गई और ओरिगानो, कोई भी ओरिगानो मेरा पास ये है पास्ता वाला है, ऐसे छोटा छोटा पाउच में, क्योंकि ये अच्छा होता है डब्बा वाला, फिर खोल के रख दो उसका स्मेल भी खराब हो जाती है, नहीं तो यूज नहीं किया तो मतलब थोड़ा सा ये होता है, इसलिए पाउच एक फाड़ो फिर लगा दो। फिर इतने थोड़ा सा देखो देखो इसको भी बनाना ऊपर, नहीं तो ग्रिल नहीं होगी। मैं तवे पे दिखाऊंगी और एक हरा चटनी वाला ग्रिल में दिखाऊंगी, बस हो गया हो गया हो गया। फिर जो बटर कसा है तो नीचे कर दिया, मैं तवा पहले से चढ़ा दिया था,
और ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। सर्दी में बटर एकदम जम गया, मेल्ट ही नहीं हो रही। तो जरूरी नहीं बटर जरूरी है ऐसे ही कुछ नहीं, ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, रिफाइन ऑयल नहीं, रिफाइन ऑयल एकदम बेकार लगता है। आलू को एक चोखा बना दे आलू का, फिर इसको ऊपर ना एक ऐसे उल्टा करके सीधा करके ऐसे करके फिर एक वेट सा कुछ देना पड़ेगा। मेरे पास फिलहाल ये है, कोई भी वेट चीज दे दीजिए, फिर पलट दीजिए। वो था देसी जुगाड़ है, कोई भी पत्थर भी रख सकते हैं, देसी जुगाड़। अभी ग्रीन चटनी का, इसमें भी सेम एक साइड बटर लगेगी, नहीं भी लगा सकते। ये भी बहुत अच्छा होता है, शायद बहुत जने का पता है, ऐसे नहीं है मुझे पता नहीं, फिर भी मेरा जो चटनी है थोड़ा सा अलग है, मैं दूसरे का भी शेयर करूंगी। अभी पीस के रख दिया आज, इसमें धनिया है, लहसुन है, मिर्ची है, काजू है, कैप्सिकम है, बहुत अच्छा ना। दही नहीं था, दही देना पड़ता है, मैं नींबू दे दिया, नमक सब एक साथ पीस लिया, ऐसे अच्छे से उसको नहला दीजिए। अभी अच्छे से लगा दीजिए, और धनिया पुदीना का भी जो चटनी होता है वो भी लगा सकते हैं। तो अभी जो दूंगी टमाटर, नहीं भी जो खाते नहीं है मत दीजिए, प्याज, ऑलरेडी चटनी में नमक है, बटर है, आलू, आलू भी नहीं देंगे तो चलेगा। मैं जैसे कुकुम्बर भूल गया काटना, नहीं दिया, ओ इधर इधर चल जाएगी, चल दिया क्या, भूल गया इसको, नहीं थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, तो होता ही है। हम लोगों का तवे वाला सैंडविच रेडी, मैं काट दिया हूँ। जिसको चीज पसंद है बहुत मजा लगेगा, क्योंकि ये होता है ना पिज्जा वाला जो मसाला होता है ना चिली फ्लेक्स, इतना अच्छा लगता है ना। फिर अभी ये वाला दिखाते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक देंगे, और ऐसे चिली फ्लेक्स ये भी देते हैं, ब्लैक पेपर भी दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेटूस, किसी के पास अवेलेबल हो तो भी दे सकते हैं, मेरे पास है नहीं, इधर मिलता नहीं है। सेकेंड वाला बनाएंगे गीला, इसमें ऊपर बटर लगाया तो ऑयल भी लगा सकते हैं, दे देंगे स्विच। हम लोगों का सेकेंड सैंडविच रेडी, हरी चटनी वाला। ये सब ना हम लोग जब गुजरात में था ना, तब ऐसे सैंडविच का एक दुकान लगता था, जैसे खाने जाते थे, और उसका ना रोज जैसे एक एक सैंडविच में ट्रक में करके, छोटा ट्रक नहीं उसका गाड़ी था, ऐसे बेचता था। इतना अच्छा इसका खुशबू आता है ना, मतलब मैं सूंघा नहीं, मैं एक नहीं कर पाऊंगी, तो बनाए कभी मस्त मस्त एकदम। तो हो गया हम लोगों का दूसरा सैंडविच, अभी तीसरा सैंडविच मिक्स वेज वाला। मेयोनीज, तेरे पापा कितना जोर जोर से बातें कर रही है घर में, वो अंदाजा से जैसे जो चाहिए जितना। फिर इसमें देंगे टमाटर बारीक कटा हुआ, अंदर का मैं बीज निकाल दिया, कुकुम्बर, कैरेट, कैरेट में इतना नहीं दूंगी, ज्यादा हो गया इसमें, कैप्सिकम,
शिमला मिर्च, अनियन सॉरी कैप्सिकम शिमला मिर्च एक ही और कॉर्न, कॉर्न ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं देना ही पड़ेगा, तो बाकी चीज सब देना है। फिर अभी थोड़ा सा नमक, मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा ओरिगानो देंगे। ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, वो भी थोड़ा सा ओरिगानो, कोई भी ओरिगानो, जो जो बेसिल के पत्ता हो, कुछ भी हो जो घर में है दे दीजिए। फिर अभी इसको मिक्स करेंगे। अभी ऐसे ना ऑनियन छोड़ के बाकी चीज मिला के ना फ्रिज में भी रेडी करके रख सकते हैं, मतलब तो सुबह सैंडविच जरूरत हो, स्कूल अभी तो स्कूल नहीं है, मतलब कभी भी स्कूल ऑफिस, लेकिन ऑनियन मत डालिए तब स्मेल हो जाएगी। और सैंडविच ब्रेड नहीं हो तो नॉर्मल ब्रेड तो साइड काट के कर सकते हैं। ऊपर बटर लगा दिया, फिर अभी इसको ग्रिल करने दे देते हैं। फिर अभी आलू, आलू वाला भी बहुत जाने का पता है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। नमक, ऑनियन, ये फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे कच्चा डाल रही हूँ। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली, चाट मसाला, चाट मसाला नहीं तो आमचूर ड्राई आता है ना, मैंगो ड्राई मैंगो, ओ ढेर सारा नहीं, खट्टा, मतलब कोई खट्टा पसंद नहीं तो मत दीजिए। अच्छे से हाथ से धनिया पत्ता डाल सकते हैं, इसमें ओरिगानो मत दीजिए, धनिया पत्ते डाल सकते हैं, जिसको लहसुन पसंद है बहुत बारीक करके लहसुन दे सकते हैं। हम लोगों का उबला भी हो गया, एक्चुअली इसमें ग्रिल में करने में ना ग्रिल जो इफेक्ट आता है बहुत अच्छा दिखता है, सबके पास तो होता नहीं है, तब तवे में करिए। ऐसे ही देखने में होता है, ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। एक सैंडविच ब्रेड में बनाएंगे और एक नॉर्मल ब्रेड को साइड काट देंगे, एक साइड में, दोनों साइड लगा सकते हैं जिसको ज्यादा बटर पसंद है, मैं तो एक ही साइड लगाऊंगी, वो भी थोड़ा सा। अभी वो आलू डाल देंगे, अच्छे से भर के आलू दीजिए, और एक दिन पनीर का मशरूम का शेयर करेंगे। ऐसे ऊपर बटर लगा दीजिए, नहीं तो ऑयल। हम लोग का चौथा सैंडविच रेडी, ये भी बहुत अच्छा है, सबसे पसंद है। हाँ हाँ नीचे रहती, नीचे रहती। अंडा को उबाल के ऐसे ना टुकड़े टुकड़े कर लिया, अभी जो भेज वाला भाग जाओ, अभी नॉन वेज वाला। ऐसे फिर से मेयोनीज 1 टीस्पून जैसा, मेरा 2 अंडा था उबल के, बारीक कटा हुआ ऑनियन, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, और बेसिल का पत्ता सूखा ड्राई वाला, कच्चा मिला तो कच्चा दे दीजिए, देवे देवे देना एक तो।
बेसिल का पत्ता कच्चा हो, बेसिल का पत्ता नहीं हुआ तो धनिया पत्ता और ओरिगानो भी दे सकते हैं, ब्लैक पेपर वो भी थोड़ा सा, फिर आप इसको मिक्स कर लीजिए। फिर अभी सेम तरीका तो ब्रेड लेंगे, तो ऐसे बटर लगाएंगे, वो भी थोड़ा सा है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, इसमें ज्यादा मतलब कम लगा किसी को, चाहे मेयोनीज कम है तो डाल सकते, मैं नहीं दूंगी ज्यादा, खट्टा खट्टा हो जाएगी ज्यादा, इसमें खट्टा अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग चिकन का टिक्का बनाया था ना, उसको छोटे छोटे पीसेस करेंगे, ऐसे ही नहीं है घर में ही बनाना है, कभी कभी बाहर से मार्केट से लाते हैं बच जाता है ना, ऐसे ही दूसरे दिन सैंडविच बना लीजिए। है हम लोग का और एक सैंडविच रेडी, अंडा वाला। मेरा किचन छोटा है ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो देखने में बोलेगी कितना ये है। देखिए ये भी बहुत अच्छा खाने में होता है। इसमें भी मेयोनीज, ऑनियन दिया, मेयोनीज दूसरा वाला मेयोनीज दिया, ये वाला मेयोनीज। फिर ये भी खाने में इतना अच्छा होता है ना चिकन वाला, जो चिकन पसंद है जिसको, तो सब में चिकन अच्छा लगेगा, जो भेज वाले हैं। इसमें कुछ नहीं लगाया मैं अंदर, बस यही दे दिया, किसी का मन चाहे तो बटा दीजिए, नहीं तो नहीं, ऊपर लगाना जरूरी है, नहीं तो ग्रिल इफेक्ट आते नहीं है। अभी चिकन वाला रेडी, साइड में अंडा, अंडा और पास में चिकन। ये अंडा वाला ना मतलब ग्रिल भी नहीं करके, नहीं करने से भी अच्छा होगा, सब ग्रिल कर रहा था इसलिए ग्रिल कर दी। क्या हुआ, देखो देखो, हेलो हेलो, अजय क्या, कितना काम, मोबाइल लेगी। देखो दीदी को खाना बोला, दीदी के देखे बोले नहीं देखे, बोले नहीं दो दीदी के दो। देखो दूर से कैसे, दूर से लालच दिखा रही है।